told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो गाइस, बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज का डे 183 आज हम करने वाले हैं। और अभी थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद ही हम बल्किंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपको बहुत सारे पैटर्न में बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी हम ला चुके हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा आप भी इंप्रूवमेंट लाए होंगे। और अच्छे से डाइट के बारे में भी हमने इसके अंदर सीखा है, वर्कआउट प्लान के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी, कैसे क्या कैसे वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें हाई एंड्योरेंस हो गया, नॉर्मल एंड्योरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ मिक्स हो गया, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मिक्स हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम करते हुए, जिसके अंदर हमने HIIT भी मिक्स करी थी, कोर भी करा था, ये सब वर्कआउट को मिक्स करते हुए हमने पूरा टोटल वर्कआउट करा 183 डेज आज हम करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लंबी जर्नी थी, मैं सोच रहा हूँ अभी अब बल्क स्टार्ट करेंगे, बल्क में अच्छा ग्रोथ करना है हमें। और देखते हैं जब भी बल्क करेंगे डाइट के बारे में बात करना है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी सबसे पहले डाइट की होती है, पहले डाइट को समझेंगे तभी हम वर्कआउट को समझ पाएंगे। तो पहले जब बल्क करेंगे, जब हम डाइट के बारे में बात करेंगे, फिर वर्कआउट स्टार्ट कर लेंगे। तो बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज में आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, कैसे हम जिम में जाते हैं, कितना वेट उठाते हैं, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ गेन होती है, जिसमें हमने सप्लीमेंट यूज़ करा वे प्रोटीन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन और क्रिएटिन, ये चार सप्लीमेंट को हमने रेगुलर यूज़ करा है। और स्टार्टिंग में हमने नहीं यूज़ करा था, पहले हमने दाल को ऐड करा था, फिर वे प्रोटीन एक स्कूप करा, फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए हमने पूरा डाइट को धीरे धीरे प्रोटीन को हम बढ़ाते गए। तो आज अभी एक वर्कआउट और बाकी रह गया था हमारा, मतलब वर्कआउट का पैटर्न बाकी रह गया था, तो वो आज हम करने वाले हैं और ये लास्ट तक चलाएंगे हम बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज में, जिसके अंदर हम करने वाले हैं पुश पुल लेग, जिसके अंदर होगा पुश के अंदर चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, फिर बैक, बाइसेप एंड लेग, ये 3 दिन होता है, फिर वापस 3 दिन बाद हमारा वापस टर्न आएगा, सेम हम वापस वर्कआउट करेंगे। बॉडी पार्ट सेम होता है, जैसे चेस्ट सेम हो गया तो चेस्ट के अंदर जो एक्सरसाइज होगी वो हम चेंज कर लें। आज जैसे हम चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप करने वाले हैं, 3 बॉडी पार्ट करने वाले हैं, जिसको हम पुश कहेंगे, जिसके अंदर पुश वाला मोमेंट रहता है। और स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो कोशिश यही करनी है कि हमारा जो मेजर पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाए, फिर वापस जब ये डे रिपीट होगा हमारा थर्सडे को, जब हमारी जो एक्सरसाइज रह गई है जिसका मसल टारगेट नहीं हुआ था वो हम वापस रिपीट में कर लेंगे, या फिर वो वाले एक्सरसाइज पिक कर लेंगे। तो आज का मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम करेंगे पुश पुल लेग में पुश करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप, अच्छा सा वार्म अप कर लेते हैं, फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज के डे की फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लैट बेंच पे। और जैसा कि 85 kg पर अभी तक हम लगाते हुए आ रहे हैं, तो 85 kg ही लिया है, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो 6 repetition 85 kg, और कोशिश पूरी रहेगी वेट इंक्रीज करने की, लेकिन 4 sets भी करने हैं और 6 repetition क्या होता है, 85 kg 85 kg 85 kg 85 kg, 4 repetition भी अगर हम लगाते तो 85 × 5 = 4 हो गया, और हमको 6 repetition करना है और टोटल 4 sets करना है, तो वहाँ पे एनर्जी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो वेट इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम जैसे 60 kg हो, फिर 70 करते हैं, फिर 80 करते हैं, फिर 85 हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर होता है कि जब हम वेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं और रेपिटेशन हमारे वहीं पे रहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं रेपिटेशन डाउन करते वेट इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि हम जिस स्ट्रेंथ को हम अचीव कर चुके हैं उस स्ट्रेंथ, मतलब उस वेट को हम डाउन नहीं करते हैं, उस वेट से ही स्टार्ट करते हैं। वेट इंक्रीज होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उस वेट पे भी हम 6 repetition निकालते वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 85 kg स्टार्ट करते हैं, 6 repetition 4 sets करेंगे, स्टार्ट करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. अभी हमारा फ्लैट बेंच कंप्लीट हुआ, टोटल 4 sets करें, और
स्टार्टिंग वेट जैसा मैंने आपको बताया था 85 kg से स्टार्ट करा, चारों सेट 85 पे करें, लास्ट सेट मेरा 5 रेपिटेशन ही आया, बाकी मैंने 6-6 रेपिटेशन करा। नेक्स्ट हम करने वाले डिक्लाइन स्मिथ पे करेंगे, प्रेस और वेट 30-30 kg मैंने प्लेट लिए और इसके भी हम 4 सेट ही करेंगे, 6-6 रेपिटेशन स्टार्ट करते हैं। Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. डिक्लाइन प्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, शोल्डर स्टार्ट करेंगे और इसमें चेस्ट में भी हम करने वाले हैं पैक डेक्स फ्लाई। सो गाइस चेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं शोल्डर। शोल्डर के अंदर स्टार्टिंग कर रहे हैं स्मिथ मशीन का ओवरहेड प्रेस, इसके टोटल हम 4 सेट करेंगे और रेपिटेशन 6 ही रखेंगे, थोड़ा हैवी करेंगे। और पैक फ्लाई जो हमने लास्ट करा उसका 3 सेट कर रहे थे, 86 केजी पे तीनों सेट और 6-6 रेपिटेशन उस पर आ गए। इस पर हमें 6 रेपिटेशन करने, टोटल 4 सेट स्टार्ट करें। सो गाइस ओवरहेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं केबल पे सिंगल लेंथ लैटरल रेस और इसके अंदर हम टोटल 3 सेट करेंगे, वेट में आएगा 7 kg और 8-8 रेपिटेशन ईच हैंड पे करेंगे। स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हमारा शोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है, अब जो हम करने वाले हैं ट्राइसेप, ट्राइसेप की भी 2 करेंगे, बस ट्राइसेप में हम 2 करने वाले हैं, तो हमारा पुश पुल लेग हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर पुश आज हम कंप्लीट करेंगे और कल हमारा पुल रहने वाला है, जिसके अंदर बैक एंड बाइसेप करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम पुल पुश डाउन कर रहे हैं ड्रॉप के ऊपर, टोटल 4 सेट करेंगे, 8-8 रेपिटेशन, वेट में 45 kg ले रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friends. So, guys, raw pulley push down में हमारे 4 सेट कंप्लीट हो गए, 45 kg रखा, 88 रेपिटेशन, 4 सेट कंप्लीट करें। आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं रिवर्स ग्रिप पुली पुश डाउन और इसके हम 3 सेट ही करेंगे, रेपिटेशन हम 8 रखने वाले हैं। स्टार्टिंग वेट में 30 kg ले रहा हूँ, वैसे तो इसके अंदर इंक्रीज नहीं करूंगा, 30 kg पे 8-8 रेपिटेशन के 3 सेट करूंगा। स्टार्ट करें। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Reverse pulley push down के 3 set भी कर लिए, 30 kg ही रखा जैसा कि मैंने आपको बताया था, 8-8 repetition 3 set आ गया। आज का workout हमारा totally complete हुआ, आज हमारा push हो चुका है, अब हम stretching proper करेंगे और जो हमारी diet के as it is follow करनी है, कुछ time बाद फिर bulk करेंगे, तब हम उसके बारे में बात। So, is that next video? I really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay.